जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। साथियों, आपको पता है कि आपके वीडियो के री एग्ज़ाम लगे हुए हैं, इसकी पुनर्परीक्षा लगी हुई है 26 और 27 तारीख को। ठीक है, बहुत ही कम समय बचा है और आप सभी ने कहा सर कि यूपी के करंट अफेयर करवा दीजिए। तो दोस्तों, आपको पता है कि हम बूस्टर डोज सीरीज लेकर के आ रहे हैं और इसमें हम 100+ क्वेश्चन देखने वाले हैं करंट अफेयर से संबंधित, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं रखते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि अगर आपके पास देखिए बहुत ही कम समय, इसलिए हम दोस्तों बूस्टर सीरीज लेकर के आ रहे हैं। क्या आप बता दें कि वीडियो के लिए हम दोस्तों वीडियो एग्जाम के लिए बूस्टर सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम आपके हिंदी दोस्तों बहुत ही कम समय में एक एक टॉपिक हमने कवर करा दिए हैं और यूपी स्पेशल दोस्तों कवर करा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा करंट अफेयर सब कुछ दोस्तों करवा रहे हैं। आप इस वाले प्लेलिस्ट पे जा करके सब कुछ कवर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों को बता दें कि हम आपके लिए संपूर्ण हिंदी साहित्य मात्र 9 क्लास में दोस्तों हमने संपन्न किया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। इसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे और आप सीधा जा सकते हैं प्लेलिस्ट में, वहां से भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर। तो चलिए दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश की समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर पर एक नज़र डालने वाले, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं कि वैश्विक खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों, पर जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 40 खुशहाल शहरों में से उत्तर प्रदेश के किस शहर को शामिल किया गया, आपको बता दें किसको शामिल किया गया। कानपुर को कौन सा स्थान मिला, इसको 11वां स्थान मिला है। ठीक है, लिस्बन शीर्ष पर है, लिस्बन किस नंबर पर, पहले स्थान पर है। वही बात कर ले, उत्तर प्रदेश के किस जिले में संस्कृत अध्ययन का सबसे बड़ा सेंटर बनाया जाएगा दोस्तों, संस्कृत अध्ययन के लिए सबसे बड़ा सेंटर कहाँ बनाया जाएगा, तो अपने राजधानी लखनऊ में। ठीक है, चलिए अगला है कि 27 मार्च 2023 को किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश ने यह घोषणा किया है कि वह सारस व बारहसिंघा के लिए जंगलों में विशेष पार्क बनाएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश। क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस और राजकीय पशु क्या है, बारहसिंघा है। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा स्टार्टअप मेले का आयोजन किया गया, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा। ठीक है, चलिए अगला है, भारतीय रेलवे द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर को ट्रेनों के जरिए संपूर्ण भारत में जोड़ने का निर्णय लिया गया दोस्तों, आपको बता दें कि अयोध्या को संपूर्ण भारत से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, आपको बता दें कि अयोध्या में दोस्तों रामलला श्री पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का हवाई अड्डा भी बन रहा है दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है दोस्तों। आपको बता दें 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा अपने यूपी का। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला सेमी कंडक्टर पार्क, ठीक है, क्या सेमी कंडक्टर पार्क बनाया जा रहा है दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर में, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को विश्व भारती सम्मान से नवाजा गया है, वो उत्तर प्रदेश से किस जिले से है दोस्तों, तो आपके प्रयागराज जिले से, याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि विश्व भारती सम्मान किसको दिया गया, तो प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को। कहाँ संबंधित हैं, तो आपके प्रयागराज से। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में ईट राइट मिलेट मेले का आयोजन किया गया दोस्तों, कहाँ किया गया, तो लखनऊ में। ठीक है, अगला है कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत राज्य अल्पसंख्यकों को आवास देने में पहला स्थान किसका रहा, तो उत्तर प्रदेश का ही रहा है। ठीक है, अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 21 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी है, कितने, 21 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी है, इनमें से उत्तर प्रदेश के किन किन हवाई अड्डों को शामिल किया गया दोस्तों, आपको पता है कुशीनगर व जेवर एयरपोर्ट। आपको पता है कुशीनगर कहाँ है, तो कुशीनगर में, जेवर कहाँ है दोस्तों, तो गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा है ना, गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ठीक है, जेवर एयरपोर्ट दोस्तों उत्तर पूरे भारत का दोस्तों सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, याद रखिएगा। और कुशीनगर दोस्तों आपको बता दें कि इस समय दोस्तों वर्तमान में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, आपको बता दें कहाँ कहाँ है, तो लखनऊ में है और बनारस यानी वाराणसी में है, फिर दोस्तों तीसरा कुशीनगर में है, चौथा दोस्तों जेवर, और पांचवा दोस्तों कहां पर, अयोध्या। देखिए, ये उत्तर प्रदेश पहला दोस्तों राज्य बन गया जहां पे सर्वाधिक 5 एयरपोर्ट है। ठीक है, 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, देखिए एयरपोर्ट की बात नहीं होती, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ठीक है, चलिए अगला है, 1 अप्रैल 2023 से किस राज्य सरकार ने कबाड़ नीति 2023 को लागू किया दोस्तों, किसने, तो उत्तर प्रदेश ने। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में रेशम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया दोस्तों, कहाँ, गोरखपुर में दोस्तों। आपको पता है गोरखपुर में खिचड़ी मेला लगता, क्या,
खिचड़ी मेला लगता है दोस्तों गोरखपुर में, ठीक है। और गोरखपुर में दोस्तों अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर है, ठीक है। अशफाक उल्ला खां जू भी है गोरखपुर में ही, ठीक है। और गोरखपुर का एक उत्पाद है टेराकोटा दोस्तों, ये भी आ रखेंगे, इसको GI टैग मिला हुआ है, ठीक है। चलिए अगला है कि 1 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान 2023-24 की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो योगी आदित्यनाथ दोस्तों मुख्यमंत्री जी द्वारा। अगला है कि भारत सरकार ने नई विदेशी व्यापार नीति 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को निर्यात उत्कृष्ट शहरों में शामिल किया है दोस्तों, 3, कौन कौन से, वाराणसी, मुरादाबाद, मिर्जापुर। अगला है स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किन शहरों को पर्यटन का विकास किया जाएगा दोस्तों, प्रयागराज और सीतापुर का। अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने सौर पार्कों को मंजूरी मिली दोस्तों, 8, ठीक है। बुंदेलखंड के अंतर्गत दोस्तों मुख्यतः 7 जिले आते हैं जिनमें दोस्तों यार रखेंगे कितने सौर पार्कों को मंजूरी दी गई, तो 8 सौर पार्कों को, ठीक है। चलिए आगे देख अगला साथियों कि हाल ही में किस राज्य के शासित प्रदेश ने प्रत्येक गाँव में आओ सीखो विज्ञान कार्यक्रम संचालन किया दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश ने किया है। अगला है कि अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने वैज्ञानिकों ने गंगा जल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए नए बैक्टीरिया की खोज की दोस्तों, किसने, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने, ठीक है। देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुछ ज़्यादा ही काम कर रहा है, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने महापौर प्रत्याशियों के लिए कितने लाख रुपये खर्च करने की सीमा निर्धारित की, मतलब कितने लाख रुपये जो निकाय में चुनाव होंगे वो खर्चा कर सकते, 40 लाख, ठीक है। चलिए अगला है हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अपराध व आपराधिक नेटवर्क सिस्टम, ठीक है, को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान प्राप्त है दोस्तों, द्वितीय, पहले पे कौन है, हरियाणा। चलिए उत्तर देखिए अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया दोस्तों, 11 उत्पादों को, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, आगे देखते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने वैज्ञानिकों के एंजाइम से तैयार होने वाला कपड़ों की नई तकनीकी खोज की दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जिले की चंद्रकांता ने मिसेज यूपी क्वीन ऑफ एक्सीलेंट ग्रैंड फिनाले का खिताब जीता है दोस्तों, तो याद रखिएगा बुलंदशहर, क्वीन ऑफ एक्सीलेंट ग्रैंड फिनाले का खिताब किसने जीता, तो दोस्तों चंद्रकांता ने कहाँ किया, बुलंदशहर के, ठीक है। चलिए अगला है उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रयोगशाला में ज्वालामुखी बनाने में सफलता प्राप्त की दोस्तों, तो याद रखिएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय, देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने बहुत काम किया इस बार, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने हैंडलूम एवं पावर लूम उद्योग का विकास योजना का मंजूरी दी, तो उत्तर प्रदेश ने। अगला है उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में चीनी मील के कचरे से जैविक पोटास बनाने की तकनीकी शुरू की गई दोस्तों, तो राष्ट्रीय सरकरा अनुसंधान में, ठीक है, यार कहेगा इंपॉर्टेंट है। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले के 7 राजकीय विद्यालयों को प्रोजेक्ट अलंकार के तहत आधुनिक सुविधाओं से युक्त किया गया, तो वाराणसी के। अगला है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित कौशाम्बी महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, तो गृह मंत्री द्वारा यानी अमित शाह जी द्वारा। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर संस्थान द्वारा स्टार्टअप वैली का निर्माण किया जाएगा दोस्तों, लखनऊ में। अगला कि भारत सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2030 सर्वे में उत्तर प्रदेश के किस जिले को डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त दोस्तों, तो प्रयाग प्रतापगढ़ को दोस्तों को था, प्रतापगढ़ को हम आंवला नगरी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में युवाओं को आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने के लिए इस्कॉन मेगा यूथ फेस्टिवल एक्सप्रेशन का आयोजन किया गया, तो कानपुर में। अगला है अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत शामिल किया गया दोस्तों, तो कन्नौज रेलवे स्टेशन, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला है उत्तर प्रदेश में किस देश द्वारा मल्टी स्पोर्ट्स सेंटर्स स्थापित किया जाएगा दोस्तों, तो नीदरलैंड। अगला है कि अप्रैल 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में बायो CNG प्लांट का उद्घाटन किया दोस्तों, तो गोरखपुर में, ठीक है। गोरखपुर में देखिए बहुत सी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। अगला है कि उत्तर प्रदेश से किस टाइगर रिजर्व को कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड का दर्जा दिया दोस्तों, पीलीभीत। आपको पता है कि 4th टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश को मिल गया है, कौन सा है, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व दोस्तों। कहाँ पर है, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। अगला है कि हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के किस प्रोफेसर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
ठीक है, किसको? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया दोस्तों, तो किसको? प्रोफेसर प्रेम कुमार मलिक को। ठीक है, अगला है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ की नाइट सफारी के लिए कितने करोड़ खर्च किए? 50 करोड़ रुपये। ठीक है, अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला फ्लोटिंग, ठीक है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है दोस्तों? कहाँ? प्रयागराज में। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को वैदिक, आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? तो सीतापुर को। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में हरियाली को बढ़ाने के लिए जापान की मियाँ वाकी तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों? प्रयागराज में। ठीक, देखिए ज़्यादातर चीज़ें आपके प्रयागराज से संबंधित। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य में घड़ियाल कन्वर्सेशन व रिसर्च सेंटर चलाया जा रहा है? कतरनिया वन्यजीव अभयारण्य में। ठीक है, अगला है कि 36वें नेशनल गेम्स में उत्तर प्रदेश की मुनीता प्रजापति ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों? एथलेटिक्स में। तो मुनीता प्रजापति का किस खेल से संबंधित? एथलेटिक्स से। अगला है, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास के लिए किस देश ने सहयोग से दोस्तों 30 जिलों में होटल का निर्माण किया दोस्तों? तो आपके जापान के सहयोग से। अगला है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में रोपवे परियोजना का विकास किसके द्वारा किया जा रहा है दोस्तों? तो आपको बता दें, वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा। ठीक है, अगला देखते दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष कितने विधायकों को उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों? 2 विधायकों को। ठीक है, अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में विलुप्त प्राय गिद्धों की अति दुर्लभ प्रजाति देखी गई दोस्तों? दुधवा टाइगर रिजर्व। आपको पता है दुधवा एकमात्र दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान भी है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा द्वारा विधायकों को ई विधान पर कार्य करना अनिवार्य किया गया दोस्तों? किसका? उत्तर प्रदेश द्वारा ही किया गया। और किस राज्य सरकार द्वारा दोस्तों आपको बता दें प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन किया गया? तो मंजूरी दे दी गई दोस्तों, तैयार किया गया उत्तर प्रदेश द्वारा। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला सेंटर फॉर ड्रोन विभाग बनाया जाएगा दोस्तों? कहाँ बनाया जाएगा? तो कानपुर में। ठीक है, अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री ने विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि टीबी दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा? तो वाराणसी में। ठीक है, अगला है कि 23 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने प्राचीन एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को संरक्षित करने के लिए सूचना जारी की है दोस्तों? तो कितने? 18 को। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं कि 17 मार्च 2023 को भारत सरकार ने वस्त्र उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पीएम मित्र योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कहाँ टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी? यानी कि टेक्सटाइल पार्क दोस्तों कहाँ खुलेगा? तो वो हरदोई ज़िले में। ठीक है, अगला है दोस्तों, आपको दिखाते हैं जो दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको देखते हैं ना। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने पहली नई वाहन क्रय पॉलिसी को दोस्तों कब मंजूरी दी? तो 10 मार्च 2023 को। ठीक है, नई खेल नीति आ चुकी दोस्तों 2023 में, मंजूरी कब दी गई? 10 मार्च 2023 को। ठीक है, आपको बता दें कि 3 मार्च 2023 को भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने देश के नए संसद भवन यानी कि सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर नए विधान भवन बनाने की घोषणा की? यानी कि जिस तरह से वो नया हमारा संसद बना उसी प्रकार दोस्तों संसद बना उसी प्रकार से विधान भवन भी बनेगा, तो ये दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश ने किया। ठीक है, चलिए अगला, 27 फरवरी 2023 को केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री जो है नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 6500 करोड़ रुपए की 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को उद्घाटन किया दोस्तों? कहां से? बलिया जिले से। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में दोस्तों मुख्यमंत्री सड़क योजना सुधार योजना शुरू की गई कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश से किस शहर से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के साथ गुरु कृपा यात्रा शुरू की दोस्तों? तो लखनऊ ने। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों क्या है कि नए हाईटेक कारागार बनाने की घोषणा की किस सरकार ने दोस्तों? नए हाईटेक कारागार बनाने की घोषणा की दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने? 20। ठीक है, चलिए अगला है कि प्रदेश का वह शहर जहां नोएडा के बाद दूसरी रीजनल फिल्म सिटी बनाए जाने की दोस्तों बनाने जाने के लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने ईएमओ पे क्या किया है? हस्ताक्षर किया दोस्तों। तो यानी कि आपको बता दें कि पहली दोस्तों फिल्म सिटी कौन सी है? नोएडा बनेगी, उसके बाद दोस्तों आपका गोरखपुर में भी बनेगा। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर भारतीय राज्य जिसने हाल ही में अपनी फिल्म नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की? तो उत्तर प्रदेश ने। अगला दोस्तों आपको बता दें ये वाला इंपॉर्टेंट है कि 17 से 18 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में शंघाई सहयोग संगठन यानी HCO, ठीक है, HCO के पर्यटन मंत्रियों की बैठक दोस्तों आयोजित की जाएगी? तो वाराणसी में। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए
अगला दोस्तों क्या है कि केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के किन दो जिलों में हाईटेक मिलिट्री अस्पताल बनाने की घोषणा की दोस्तों, कहां कहां पे? तो मेरठ और लखनऊ में। अगला है कि प्रदेश सरकार ने राज्य में कुल कितने नए निजी विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति दी? तो 4। ठीक है, अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस सांसद को संसद रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? उसको विशंभर प्रसाद निषाद को। ठीक है, याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है कि किसने नई खेल नीति मंजूरी दोस्तों? उत्तर प्रदेश ने दी है। गोरखपुर में रीजनल फिल्म सिटी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस उद्योगपति से MOU किया है दोस्तों? तो अतुल गर्ग से। ठीक है, अगला है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में प्रधानमंत्री जी ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का कब शिलान्यास किया दोस्तों? 24 मार्च 2023 को। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है दोस्तों कि हाल ही में चर्चा में रहा बन टांगिया समुदाय उत्तर प्रदेश से किस जिले संबंधित है? तो गोरखपुर से। ठीक है, अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने राज्य की विधायिका द्वारा विशेषाधिकार हनन मामले में 6 पुलिस कर्मियों को सजा सुनाई गई दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश के ही। अगला है, उत्तर प्रदेश से किस सैनिक स्कूल में पहली बार बालिकाओं को भी प्रवेश की अनुमति दी जाएगी दोस्तों? तो आपको पता होगा, कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल में। ठीक है, बालिकाओं को भी मौका मिला। ठीक है, अगला है, मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों में दोस्तों साइंस सिटी बनाने घोषणा की? दोस्तों साइंस सिटी कहाँ बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वाराणसी और आगरा में साइंस सिटी बनाए जाने की बात चल रही है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का सबसे हाईटेक थाने का निर्माण किया जाएगा दोस्तों? तो किया गया है, तो कहाँ? गोरखपुर में दोस्तों, सबसे हाईटेक। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार की कितनी महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो 2, नीलम देवी अलीगढ़ की और शारदा देवी ललितपुर की। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेसिक व माध्यमिक पाठ्यक्रमों में मोटे अनाज की जानकारी को शामिल करने का भी निर्णय लिया दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, आपको पता है बुंदेलखंड एरिया जो है वहाँ पे मोटे अनाज ही उगते दोस्तों, इसलिए। ठीक है, चलिए अगला है, IIT कानपुर ने कहाँ पर देश का प्रथम सोलर ऊर्जा फ्लोटिंग स्टेशन का निर्माण किया? तो कौशाम्बी में। कहाँ पर? किस नदी पर? तो यमुना नदी पर। ठीक है, चलिए अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर एक जिला एक वेटलैंड योजना शुरू की? तो उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, एक जिला एक खेल योजना भी उत्तर प्रदेश ने शुरू की। ठीक है, चलिए अगला कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार को किस देश ने के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर के विकास का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? तो यूनाइटेड किंगडम यानी UK द्वारा। अगला, केंद्र सरकार की ऑपरेशन ग्रीन योजना के को उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में लागू किया गया दोस्तों? 17 में। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो मेरठ में दोस्तों, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में। ठीक है, चलिए आगे देखते दोस्तों, आगे क्या है, चलिए आगे है, उत्तर प्रदेश में पहली बार हाथरस महोत्सव का आयोजन कब किया गया दोस्तों? 24 से 28 मार्च तक। ठीक है, अगला है कि दोस्तों 18 से 24 मार्च 2023 तक चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में। ठीक है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म आयोजन, ठीक है, चौथे कहाँ दोस्तों? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला निजी औद्योगिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों? अलीगढ़ में। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में रामायण रिसर्च सेंटर बनाने का निर्णय लिया दोस्तों? वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। ठीक है, अगला है कि उत्तर प्रदेश की किस नदी के प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा एक समिति का गठन किया गया दोस्तों? हिंडन नदी। और दोस्तों आपसे पूछेगा कि हिंडन एयरपोर्ट कहाँ है, तो गाजियाबाद बताइएगा। देखिए, गाजियाबाद से ये नदी जाती है, तो वहाँ पर हिंडन एयरपोर्ट भी है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय वन बस टर्मिनल बनाया गया दोस्तों? तो दोस्तों कहाँ? गोरखपुर में। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 500 खिलाड़ियों को शासन में नियुक्त करने की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ही की है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल, ठीक है, के नाम पर जिले के किस स्टेडियम के, मतलब कि किस स्टेडियम का दोस्तों नाम बदला गया? तो रायबरेली में एक स्टेडियम है दोस्तों, ये हमारे ही जिले का, ठीक है, स्टेडियम है हॉकी, जिसका नाम दोस्तों रानी रामपाल जी के नाम पर रखा गया। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कौन सा देश शीर्ष है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर अर्थव्यवस्था में, पहले पर कौन सा? महाराष्ट्र, दूसरे में तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कितने नए स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे? तो 2505।
ठीक है। अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने के शोधकर्ताओं ने कवक के 3 अनोखी प्रजातियों को खोजा है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU द्वारा, ठीक है। चलिए अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए बिजली बैंकिंग शुरू की गई, दोस्तों उत्तर प्रदेश द्वारा, ठीक है। अगला दोस्तों देखते हैं कि वाराणसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में टेंट सिटी बसाई जा रही है, दोस्तों तो झांसी में भी, आप बताओ वाराणसी में जाएं तो टेंट सिटी बसाई गई है, ठीक है, घाट के आसपास देखें उस तरफ दोस्तों, तो ऐसा चीज कहाँ किया जाएगा, तो बनारस में भी, सॉरी झांसी में भी, ठीक है। अगला है 49वां ध्रुपद मेला, दोस्तों कहाँ आयोजित किया, वाराणसी में, दोस्तों आपको याद रखना कि ध्रुपद मेला कहाँ लगता है, तो बनारस वाराणसी में, ठीक है। चलिए अगला है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मौसम की सटीक जानकारी के लिए किस जिले में डॉपलर रडार लगाए जाने का निर्णय लिया गया, तो आजमगढ़ में, ठीक है। अगला है कह कसा महोत्सव, दोस्तों साहित्योत्सव, दोस्तों कहाँ आयोजित होगा, तो प्रयागराज में। सबसे लंबा कार्यकाल दोस्तों योगी जी का हो गया है, उत्तर प्रदेश में किसी भी सीएम का सबसे लंबा कार्यकाल योगी जी का है, ठीक है। चलिए अगला है कि प्रदेश का पहला आरोमा पार्क कहाँ बनेगा, दोस्तों कन्नौज में, ठीक है। अगला है कि भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कितने % योगदान है, दोस्तों 6%, ठीक है। ये देखिए 18 स्थल ये पहले बता चुके हैं। अगला दोस्तों, हाँ, टेक्सटाइल पार्क दोस्तों कहाँ पर खोला जाएगा, तो याद रखेंगे, देखिए भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए 7 PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल, है ना, यानी कि PM मित्रा के तहत, है ना, पार्क खोले जा रहे हैं कहाँ पे दोस्तों, इसमें उत्तर प्रदेश में कहाँ खोला जाएगा, तो हरदोई को भी शामिल किया गया। अगला है कि 13 मई 2022 को किस ग्राम पंचायत में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया, दोस्तों तो रामपुर के पटवाई में, दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है, ठीक है। चलिए अगला क्या है कि 10 मई 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के किस विश्वविद्यालय को भातखंडे राज्य संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने के अध्यादेश को अनुमति दी है, तो दोस्तों भातखंडे संगीत संस्थान डीम्स विश्वविद्यालय कहाँ का, लखनऊ को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 10 मई 2022 को किसे दोस्तों उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता नियुक्त किया जाने की स्वीकृति मिली, तो अजय कुमार मिश्रा को, दोस्तों महाधिवक्ता हो जाएंगे। अगला है कि 26 फरवरी से 2 मार्च 2022 के दौरान किस स्थान पर 48वें अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला का आयोजन होगा, दोस्तों वाराणसी के तुलसी घाट पर, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों आपको बता दें कि हाँ, जो 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस परेड में 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन सी थी, तो उत्तराखंड की दोस्तों, और उत्तर प्रदेश का अपना तीसरा स्थान था जिसकी थीम थी अयोध्या दीपोत्सव, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है कि 7 जनवरी 2022 को किस राज्य में भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, जिसे दोस्तों 15 लाख की लागत में दोस्तों डिजाइन किया गया, लॉन्च की जाएगी, दोस्तों आपको बता सिरोरा गांव कहाँ, गाजियाबाद में, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं कि अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का आधारशिला रखा गया, दोस्तों मेरठ में, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा जा चुका, ठीक है। चलिए अगला है कि 8 अप्रैल 2022 को खादी और ग्रामो उद्योग आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पश्मीना उत्पादों को लॉन्च किया गया, दोस्तों पश्मीना बहुत ही गर्म होता है दोस्तों, इस पश्मीना बकरी होती है जिसके कपड़े बहुत गर्म होते हैं, तो वाराणसी में, ठीक है। चलिए अगला है कि अक्टूबर 2021 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों को इको स्मार्ट रेलवे स्टेशनों के रूप में विकसित किया है, तो 7 कौन कौन से, लखनऊ, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, खलीलाबाद, मनकापुर, बादशाह नगर रेलवे स्टेशन, ठीक है, ये 7 हो गए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों कि देखिए आपको पता है 7 फरवरी 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रजेश बिंदल द्वारा कितने नव नियुक्त अपर न्यायाधीशों की शपथ ली जाएगी, दोस्तों 6, ठीक है, इनके नाम लिखे आप देख लीजिएगा। अगला है एक जिला एक उत्पाद के ब्रांड एम्बेसडर कौन, कंगना रनौत है, ठीक है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 कब जारी हुई, तो दोस्तों 11 जुलाई का पता जनसंख्या दिवस मनाते उसी दिन 2021 में, ठीक है। अगला है कि डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किए जाने स्वीकृति कहाँ है, तो लखनऊ में, दोस्तों ठीक है। तो देखिए ये आपके थोड़ा पुराने हैं, अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर हम बता चुके हैं, प्राणी उद्यान कहाँ है, तो गोरखपुर में है, और पहले लेदर पार्क कहाँ खोला जाएगा, दोस्तों कानपुर में, और खेल विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ, मेरठ में, ठीक है। चलिए
अगला दोस्तों क्या है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने किस स्थान पर देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाएगा, तो मथुरा दोस्तों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है कि उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया दोस्तों, तो किसके द्वारा, संस्कृति मंत्रालय द्वारा, ठीक है। अगला है कि उत्तर प्रदेश संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा अभियान प्रतियोगिता में किसे प्रथम स्थान दिया गया, दोस्तों प्रथम स्थान किसको मिला है, अनुपम श्रीवास्तव बाराबंकी के, दूसरे दोस्तों रतन श्रीवास्तव हैं ये लखनऊ के, और सुंदर शर्मा है मथुरा के, ठीक है। चलिए ये चीज़ें हो गई दोस्तों। अगला है कि क्या है, 1 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के बनारस में कैंट स्टेशन से गौदौलिया तक के सफ़र के लिए देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे को धरातल पर उतारने के लिए कितने रुपए मंजूरी दी, 200 करोड़ का, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके चीज़ें थी, ये हमने आपको बता दिया है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो ये आप कर लीजिएगा दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपको इसी चैनल मिल जाएगी, तो अगर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, लव यू ऑल।